दरभंगा में दो गुटों के बीच बवाल फिर हुआ हिंसक भयंकर पत्थरबाजी, दर्जनों भर लोग घायल। अशोक में पनवेल थाना अंतर्गत पेठिया गाछी गांव में एक ही समुदाय के दो गुटों में हिंसक झड़प होने की बात सामने आ रही है। बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दो गुटों के बीच हिंसक पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन यह वीडियो पेठिया गाछी गांव की बताई जा रही है। अब उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है, हालांकि पुलिस की तत्परता के कारण अब मामला शांत करवाया गया है। थाना एपीएम क्या हुआ था सर? वहाँ विवाद हुआ, एकाएक हम लोग खड़ा थे, मुद्दा एक था जो लड़की मुखिया जी का लड़का जो है लड़की लेकर गया, अब राजी से गया कोर्ट में, सिलेंडर हुआ क्या हुआ तो मामला शांत हो गया था। उसी एवज में कोर्ट में भी बोला था कि लोग जो हम लोग जाएंगे 5-6 गो तत्विनिया हरजन महादलित को उठाएंगे, सबको ये कर देंगे वो कर देंगे। हम लोग सोचे जैसे ही बोलता है अवेश में, हम लोग खड़ा थे एक झुंड में आया और सबको कोई टेंगारी से वार करने लगा, कोई रोड़ा पत्थर से। ये पोठिया गाछी गांव है। कौन से थाना से आप लोग आए? एपीएम थाना से। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जो है सुपिंग कर रहे हैं, फोर्स लेकर के कैंप कर रहे हैं। कौन से थाना का आदमी सब है यहाँ? एपीएम और पतोर था। एपीएम पतोर, क्या घटना आपको पता चला था यहाँ पर जो हो गया है? पटना चला था, घटना में पता चला था कि जो आपसी कुछ वाद विवाद लेकर के सवेर में उलझ गए थे ये लोग। अच्छा, मतलब मारपीट कर लिया? हाँ, रोड़ा पत्थरबाजी जी। आज आपके ऊपर एक सेकंड, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। अभी आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि उप मुखिया के द्वारा पत्थर फेंक कर मारा गया है, उन्होंने पत्थर चलाया है, इसमें कितना सत्य है और क्या कहेंगे खासकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरोप लगाना तो एक अलग सी बात है, अब वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आरोप लगाना उनका आम बात है। और इससे पहले भी वो कई बार आरोप लगा चुके हैं हम लोग के ऊपर कि ऐसे किए वैसे किए। रहा पत्थर मारने की बात, तो आज सुबह में हम लोग अचानक नहा सुना के पूजा पाठ करके मंदिर गए हुए थे, मंदिर से पूजा उजा करके आए, और हम लोग को आज संडे था तो सोचे थे कहीं जाएंगे नया साल के लिए, तो अचानक से आवाज हुआ गाँव में बहुत जोर जोर से, तो हम लोग भी गए एज ए बीच बचाव में गए थे, लेकिन हम किसी के तरफ से नहीं गए थे, न किसी के मारधार के तरफ से गए थे। गाँव में भी कि पूरे दुनिया को ये बात पता है कि हम लोग अपने वहाँ सुरा चट्टी पर अपना सब कुछ ये करके रहते हैं, जीवन उपार्जन करते हैं, उससे करते हैं, रहा कहीं से हम लोग के तरफ से कोई ऐसा भी नहीं है। आपका नाम कैसे आ रहा है फिर? टारगेट किया जा रहा है या सच में ये कहीं पर आप ये मतलब... टारगेट किया जा रहा अच्छा, है और हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं। ऐसा अगर माहौल हुआ, दो लोग वहाँ पर जो थे उन्होंने कहा है कि यादव जी और साहू जी मिल करके जो है सो घायल कर दिया। वो तो कहने के लिए तो यादव जी घायल कर दिया जी जी। वो वीडियो देखिए, वीडियो में देखिए कि वो लोग को फरसा से पैर काट दिया है, किसी का कपार काट दिया है, किसी के गर्दन पर वार किए हुआ है, तो ये जी मारने के नियत से। और इसमें हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, हम उसका भी जनप्रतिनिधि है, उनका भी है, हम किसी के पक्ष विपक्ष में क्यों जाएंगे? वहाँ जाना, हमारा समझाना, अगर गलत है तो आरोप लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। हम लोग साथ मारपीट हुआ, मारपीट इसलिए हुआ है कि आज से 3 रोज पहले ये कुछ लोग जो है सो चले गए थे हमारे समाज के लड़की को उठाने के लिए, तो हम लोग उनका नाम लिखकर थाना में दिए कि फलना फलना लोग आए हुए थे, ऐसे ऐसे किए हैं, तो उसी के खुन्नस से आज वो लोग जो है सो आए थे, किस का है किया, गाली गलौज बहुत किए। हम लोग शांत रहे, शांत वो लोग आ चाहे तो हम लोग के घर में आ गए, तो फिर हम लोग भी आगे बढ़े, होते होते वो लोग कुछ ज़्यादा भी थे और हलवाई भी थे, ये दोनों जात मिलके जो है सो हम लोग को बुरी तरह से मारपीट किया। और एक हमारे दियाद में जो है सो चचेरे भाई का दुकान था, दुकान में भी लूटपाट लिए हैं, उनमें भी बहुत सामान था, वो भी बोले 4-5 लाख का जो है क्षति हुआ है। क्या चीज का दुकान है उसका? उनका मोबाइल का और कैमरा का, वीडियोग्राफी का। अच्छा, तो ये आपको कहाँ पर चोट लगा हुआ है? हमको यहाँ पे लगा हुआ है, सीना में चोट लगा और पांव में। सीना में किस चीज से मारा गया है? सीना में जो है वो रॉड फरसा टाइप में जो नहीं आता है वो रॉड ऐसे मुरा हुआ, उससे लगा है।